क्या महसूस करती हैं आज इस जन्मदिन के अवसर पर आप? मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि क्या बोलूं। थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है मेरे लिए। जो आप सबने ये स्नेह दिखाया है और प्यार दिखाया है, इसके लिए मैं बहुत ही बहुत 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 आभारी हूँ अपने मीडिया भाइयों का, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ पे आए हैं, और बस इसी तरह अपना प्यार जो है हमारे ऊपर बरसाते रहिए। इस साल का क्या रेजोल्यूशन है आपका? बस हाँ, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। और स्किन केयर में क्या कुछ करना चाहेंगे? स्किन केयर में मैं अपने खुद के ब्रांड के साथ आ रही हूँ, जिसमें हम कुछ नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं स्टेम सेल्स एंटी एजिंग को लेके, जो बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए। तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आई थिंक वो आज की डेट में बहुत नाम कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर, इंटरनेशनली भी ऑल्सो, और इंडिया के अंदर अभी हम उसको लॉन्च करेंगे तो उसका डिमांड भी काफ़ी रहेगा। तो आई थिंक स्किन केयर में एक्सोसोम और स्टेम सेल जो है वो आज का नया टॉपिक है। मैम, ये तो हुआ बैक के साथ बर्थडे, आप बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं इस साल, उस बारे में कुछ बताइए, और सबसे पहला विश किसने किया था आज के बर्थडे विश? सबसे पहला विश मेरे बच्चों ने किया, मेरी फैमिली ने किया, और मैं जनरली जो है अपना बर्थडे कोई बहुत बड़े उसमें नहीं मनाती हूँ। तो मेरे बच्चों और मेरी फैमिली के साथ ही अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट करती हूँ, पर आप लोग यहाँ पे आए हैं और मुझे ये सरप्राइज दिया, तो आई थिंक एक ग्रैंड बर्थडे बन गया है मेरे लिए। 2 अक्टूबर को आपका बर्थडे आता है, गांधी जयंती भी होती है उस वक्त, और महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन आता है, और आपका भी जन्मदिन आता है, तो ये जो मातृभूमि के साथ लेके कनेक्शन जो है आपका, एंड द वे यू आर उसी दिन पैदा हुई है, देयर इज अ कनेक्शन, क्या आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ये कितनी बड़ी बात हो सकती है कि इतने महान आत्माएं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जैसे आज नॉर्मल छुट्टी की जैसे लोग घर पे बैठे हैं कि ऑफिस वाले हैं या स्कूल के बच्चे हैं, उनको मतलब इतना एहसास नहीं है कि ये छुट्टी का मतलब कितना बड़ा है। तो मुझे बहुत फख्र होता है कि मैं इस पर्टिकुलर मंथ में बॉर्न हुई हूँ, जहाँ पे कनेक्शन मिलता है, तो अपने को एक बहुत प्राउड महसूस होता है। और सेकेंडली, महात्मा गांधी जी का नाम तो बहुत लिया जाता है कि 2 अक्टूबर को उनका बर्थडे है, बट हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी वो इतने लाइमलाइट में नहीं आते हैं, उनका इतना व्याख्या नहीं की जाती है उनके बर्थडे की। आई थिंक उनको भी हमें उतना ही प्रोत्साहन देना चाहिए उनके बर्थडे पे, जितना कि हम महात्मा गांधी जी के लिए देते हैं। और 28 सितंबर, अभी 4 दिन पहले भगत सिंह जी जो है हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, मतलब उन्होंने हमारे देश के लिए, मतलब इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी जान दी अपने देश के लिए। तो आई थिंक ये सब महान आत्माएं हैं, और उन्होंने हमें आज ये फ्रीडम दिया है जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और आई थिंक इससे बड़ी मतलब बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को कनेक्ट करती हूँ कई बार, कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को बॉर्न हूँ। आप महिलाओं को स्वावलंबित करने के लिए रोजगार दे रहे हैं, खासकर केंद्र समाज के लिए आपने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ऐसे कुछ और काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद अपने आप को उस एरिया से बिलोंग करती हूँ, बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, और उन चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि मुझे अपने देश के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने छोटे गरीब बच्चों, बहनों भाइयों के लिए मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद की ज़िंदगी जब याद आती है तो वो कनेक्शन बहुत गहरा गिरता है। तो हम करते आ रहे हैं, हमने काफ़ी ट्रांसजेंडर्स के लिए काम किया है, काफ़ी शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम किया है, ट्रेनिंग स्किल्स के ऊपर बहुत काम किया है। तो आई थिंक हम और जितना हमारी कैपेसिटी के अंदर है उतना हम काम करेंगे, और हम लोगों को उतना रोजगार और शिक्षा और हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कॉस्मेटिक्स का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका खास कारण क्या मानते हैं, और इसमें बॉलीवुड का कितना योगदान आपको लगता है? देखो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज दी इंडस्ट्री, बिकॉज सबको खूबसूरत दिखना है, सबको अच्छा दिखना है, कौन नहीं चाहता कि अच्छा दिखे, कौन नहीं चाहता अच्छा पहने, अच्छा लगाए और अच्छा खाए। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी बहुत पीछे है,
इंडिया अभी इसमें काफ़ी पीछे है और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे तो काफ़ी आगे निकल चुका है, बड़े नए ट्रेंड्स हैं। अभी हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी आगे बढ़ना है और बॉलीवुड जो है एक हेल्पिंग हैंड है जो इन चीज़ों को करता है और उत्साह देता है लोगों को कि यू नो करना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा लगाना चाहिए। क्योंकि आप जो भी काम करते हो, दुनिया बहुत स्ट्रेस से गुजर रही है, हमेशा एक ही चीज़ रहता है कि यू नो कमाओ कमाओ कमाओ, बट कमाने के बाद क्या, व्हाट इफ़ यू विल नॉट इन्जॉय योर सेल्फ। आप अपनी अपना ही कमाया हुआ पैसा अपने ऊपर नहीं लगाए, अपने शरीर के ऊपर या अपनी अच्छी दिनचर्या के ऊपर नहीं लगाए, तो मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हैज़ टू ग्रो एंड सबको यूज़ करना चाहिए। एंड बॉलीवुड का बहुत सहारा है क्योंकि वो इसको दिखाते हैं और इससे हमारी चीज़ों का जो है प्रोत्साहन होता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, आप यहाँ पे आए और ये प्यार हमें दिखाया। इसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाते रहिए, हमारे ऊपर बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।